हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सोमवार के दिन भूलकर भी ये सात काम मत करना। सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को प्रिय है, इसीलिए सनातन धर्म में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को बिजनेस में बढ़ोतरी मिलती है, इसके अलावा धन का लाभ मिलता है और शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। हे भोलेनाथ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके सारे दुख हर लेना। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। सोमवार के दिन विधि विधान से पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक करने पर मन की इच्छाएं पूरी होती है। सोमवार के दिन अगर कुंवारी कन्याएं शिव जी को गंगा जल और दूध अर्पण करती है तो उनको मन चाहा वर और उनकी मनोकामनाएं दोनों ही पूरी होती है। धार्मिक मत के अनुसार सोमवार के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही है, जिनके करने से साधक को जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि सोमवार के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं सोमवार के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए। नंबर वन, इस दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, गंगा जल और तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। नंबर दो, इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर तीन, सूर्योदय के दौरान शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। नंबर चार, सोमवार के दिन गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए, अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। नंबर पाँच, भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर छह, सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष दान करना चाहिए। अब जान लेते हैं सोमवार के दिन कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। नंबर वन, सोमवार के दिन शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर दो, इस दिन सफेद वस्त्र और दूध का दान नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, सोमवार को पूर्व, उत्तर या आगेन्य दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। नंबर चार, इसके अलावा सोमवार के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर पाँच, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर छह, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर सात, देवों के देव भगवान शिव को पीली मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ काम जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। अब जान लेते हैं सोमवार को व्रत में क्या खाना चाहिए। नंबर वन, मान्यता है कि सोमवार के दिन मौसम के हिसाब से जो भी फल बाजार में उपलब्ध हो वो खाने चाहिए। आपके पास जिन फलों की उपलब्धता हो उसे खाना और भी बेहतर माना गया है। नंबर दो, सोमवार को व्रत वाले दिन खीर, पंचमेवा, दूध, दही, दूध से बने हुए सामान खाने चाहिए। नंबर तीन, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को सफेद रंग काफी पसंद है, सोमवार के दिन भगवान शिव को सफेद रंग की मिठाई भोग में चढ़ाए, इसके बाद प्रसाद के तौर पर उसे ग्रहण करें। नंबर चार, शकरकंद, लौकी से बने खीर को भी आप खा सकते हैं, व्रत के दिन इनका सेवन करना अच्छा माना गया है। नंबर पाँच, खाने में चावल के आटे से बनी हुई रोटी खानी चाहिए। नंबर छह, व्रत की थाली में खीरा, टमाटर, मूली, गाजर का सेवन करना स्वास्थ्य की नज़र से बेहतर रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।